नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय 12 के YouTube चैनल पर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं और इस पेपर में हम ब्रिटिश संविधान को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम पुनः ब्रिटिश संसद को ही पढ़ेंगे और ब्रिटिश संसद में हम जो ब्रिटिश संसद का उच्च सदन लोर्ड सभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि लोर्ड सभा की संरचना क्या है, क्योंकि लोर्ड सभा की संरचना में तीन प्रकार के सदस्य या लोर्ड होते हैं। पहले आध्यात्मिक लोर्ड, दूसरे वंशानुगत या पैतृक पीयर और तीसरे होते हैं आजीवन पीयर। उसके पश्चात हम लोर्ड सभा सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात हम लोर्ड सभा में जो स्पीकर का पद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में लॉर्ड चांसलर का पद क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस स्लाइड में हम शुरू करते हैं ब्रिटिश संसद में। तो जैसा कि आपको पता है, ब्रिटिश संसद का निर्माण सम्राट के साथ लोक सदन और लोर्ड सभा से होता है। यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के होता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, इसलिए वहाँ पर संसद का निर्माण लोक सदन, लोर्ड सभा और सम्राट को मिलाकर के होता है। लोक सदन की बात करें तो लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन माना जाता है या लोकप्रिय सदन माना जाता है, जबकि लोर्ड सभा द्वितीय सदन या उच्च सदन वहाँ पर माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो लोर्ड सभा दोनों सदनों में सबसे पुरानी है, यानी हाउस ऑफ कॉमन से भी पहले लोर्ड सभा का ब्रिटेन में निर्माण हो चुका था। लोर्ड सभा की अगर हम बात करें हाउस ऑफ लॉर्ड की, तो लोर्ड सभा को ब्रिटेन की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक कुलीन तंत्री संस्था माना जाता है, क्योंकि लोर्ड सभा की सदस्यता का प्रमुख आधार वंशानुगत होता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश राजनीति में लोर्ड सभा को लोक सदन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यानी पहले लोर्ड सभा को हाउस ऑफ कॉमन की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और अब लोर्ड सभा न केवल वहाँ पर द्वितीय सदन बल्कि द्वितीय महत्व का सदन भी बनकर के रह गया है। अब हम देखते हैं लोर्ड सभा की संरचना। संरचना की हम बात करें तो लोर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट के द्वारा जितने नए सदस्यों की आवश्यकता हो उतने नियुक्त किए जा सकते हैं, जिसमें अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्री, लोकसभा के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त सेनापति और वायसराय, इसके अलावा उच्च कोटि के न्यायवेत्ता, साहित्य विज्ञान और कलाम प्रसिद्धि प्राप्त जो व्यक्ति हैं वो आदि व्यक्तियों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा सदस्यता इसमें दी जा सकती है। वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में लोर्ड सभा में 2010 तक 743 सदस्य थे और 2005 का जो संवैधानिक सुधार कानून आया उसके पश्चात लोर्ड सभा के सदस्यों को तीन भागों में बांटा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है आध्यात्मिक लोर्ड, दूसरा वंशानुगत या पैतृक पीयर और तीसरे आजीवन पीयर। इसमें हम आध्यात्मिक लोर्ड की बात करें तो आध्यात्मिक लोर्ड की संख्या 26 है और यह एक तरह से क्या है, निश्चित है। इसमें एक कैंटरबरी का आर्क बिशप होता है, एक यार्क का आर्क बिशप होता है, एक लंदन का आर्क बिशप होता है, एक डरहम का बिशप और एक विंचेस्टर का बिशप, ये इसमें अनिवार्य तौर पर शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो 21 से सदस्य हैं वो इंग्लैंड के चर्चों के वरिष्ठ बिशप होते हैं। जब कभी मृत्यु या पद त्यागने से किसी धार्मिक लॉर्ड का या आध्यात्मिक लॉर्ड का पद रिक्त होता है तो अगला लॉर्ड है वो वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण करता है। दूसरे हम वंशानुगत या पैतृक पीयर की बात करें तो इनकी तीन श्रेणियां हैं, जिनमें पहले होते हैं राजनीतिक दलों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य, दूसरे इसमें होते हैं वे पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन नियुक्त करता है और तीसरे होते हैं राजघराने के सदस्य के रूप में, जो कि वर्तमान में राजघराने के सदस्यों की बात करें तो जिनमें 75 निर्वाचित होते हैं और 16
पदधारी यानी ऑफिस होल्डर सदस्य होते हैं। तीसरे जो सदस्य होते हैं लोकसभा में वो होते हैं आजीवन पीयर, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इनकी वर्तमान में 561 सदस्य संख्या है, जिनमें 121 महिलाएं होती हैं। तो पहले चौथे प्रकार के सदस्य लॉर्ड्स ऑफ अपील भी होते थे, लेकिन इनको संवैधानिक सुधार कानून 2005 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में तीन प्रकार के सदस्य लोकसभा में हैं। तो पहले लोकसभा की रचना में दो दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन था, यानी 1958 के पहले लोकसभा पूरी तरह से क्या था, एक पुरुषों का सदन था, क्योंकि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं था, महिला लोकसभा की सदस्य नहीं हो सकती थी। लेकिन 1958 के बाद में ये व्यवस्था कर दी गई है कि सम्राट महिलाओं को भी आजीवन पीयर बनाकर लोकसभा की सदस्यता प्रदान कर सकता है, और वर्तमान में 126 महिलाएं लोकसभा की सदस्य हैं। दूसरा परिवर्तन ये हुआ है 1958 के बाद कि 1958 के पहले जहां 90% सदस्य वंशानुगत हुआ करते थे, वहीं अब वंशानुगत सदस्यों की संख्या 12% रह गई है। अब हम देखते हैं लोकसभा सदस्यों के विशेषाधिकार क्या क्या हैं। तो लोकसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों की हम बात करें तो लोकसभा के सदस्य अनेक परंपरागत विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। पहले इनको ज़्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब कम विशेषाधिकार इनको प्राप्त हैं। लोकसभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है, और उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार संसद के सत्र के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और लोकसभा के सदस्य केवल स्पीकर के माध्यम से ही सम्राट तक सामूहिक रूप से पहुंच सकते हैं, यानी डायरेक्ट सम्राट तक वो नहीं पहुंच सकते, केवल स्पीकर के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। लेकिन लोकसभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक विषयों पर वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह से ये तो इनके विशेषाधिकार थे, इसी के साथ में पीयर पद अगर कोई प्राप्त कर लेता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों में एक पीयर वाले सदस्य भी होते हैं, तो पीयर पद की प्राप्ति से एक ओर जहां इनको लोकसभा के रूप में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनके साथ में कुछ अयोग्यताएँ भी जुड़ जाते हैं। जैसे किसी भी पीयर को लोक सदन के चुनाव में मताधिकार और लोक सदन के चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी अगर कोई पीयर है तो उसको हाउस ऑफ कॉमन में न तो मताधिकार का अधिकार होता है, और न ही हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनने का इनको अधिकार होता है। ये दो निर्योग्यताएँ या अयोग्यताएँ इनके साथ में जुड़ जाती हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा में स्पीकर का पद। स्पीकर के पद की हम बात करें तो 2005 तक ये व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट के द्वारा नियुक्त जो लॉर्ड चांसलर है वो लोकसभा की क्या करता था, अध्यक्षता करता था। लेकिन 2005 के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट के द्वारा अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब लॉर्ड चांसलर लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करता, बल्कि लोकसभा की अध्यक्षता के लिए लोकसभा के स्पीकर पद की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि 2005 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया उसमें व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के स्पीकर पद से संबंधित समस्त व्यवस्था स्वयं लोकसभा के द्वारा ही की जाएगी। तो इस तरह से अब लोकसभा अपने स्पीकर का चुनाव क्या करती है, स्वयं करती है, और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोक सदन के स्पीकर के समान ही लोकसभा को क्या करता है, अनुशासित और नियंत्रित रखने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं लॉर्ड चांसलर का पद, यानी पहले लॉर्ड चांसलर लोकसभा का स्पीकर हुआ करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के द्वारा स्पीकर पद से इनको हटा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान में वहाँ पर लॉर्ड चांसलर का पद बना हुआ है, और अब वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य मात्र है, और उसकी स्थिति लगभग वही है जो अन्य देशों में लॉ मिनिस्टर या न्याय मंत्री की होती है, क्योंकि अब लॉर्ड चांसलर न तो लोकसभा की अध्यक्षता करता है और न ही वह ब्रिटिश न्यायपालिका का क्या है, अध्यक्ष है।
अब हम देखते हैं लोड सभा के कार्य और शक्तियाँ, यानी लोड सभा को कौन कौन से कार्य और शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो लोड सभा की शक्तियों की हम बात करें तो लोड सभा की शक्तियाँ समय के साथ हमेशा परिवर्तित होती रही हैं, क्योंकि जहाँ पहले लोड सभा को लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थीं, फिर एक समय ऐसा आया जब लोकसभा और लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन दोनों की शक्तियाँ क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन आगे चलकर 1911 और 1949 की जो संसदीय अधिनियम आए उनके द्वारा लोकसभा की शक्तियों को कम कर दिया गया और अब लोकसभा लोक सदन यानी वहाँ का जो लोकप्रिय सदन है हाउस ऑफ कॉमन उसकी तुलना में एक शक्तिहीन सदन बनकर के रह गया है। इस तरह से हम देखें तो समय के साथ लोकसभा की शक्तियों में ह्रास हुआ है या लोकसभा की शक्तियाँ कम हुई, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में लोकसभा को कई सारी महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनको हम चार प्रकार से देख सकते हैं। तो चार जो शक्तियाँ लोकसभा को प्राप्त हुआ है, एक तो विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं लोकसभा को, दूसरा वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, तीसरा कार्यपालिका शक्तियाँ और चौथा न्यायिक शक्तियाँ भी लोकसभा को प्राप्त हैं। तो सर्वप्रथम हम विधायी शक्ति की बात करें तो विधायी शक्तियों में यही है कि सामान्य विधेयकों के अलावा अन्य सभी जो विधेयक हैं वो ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और अनेक अवसरों पर जो साधारण विधेयक हैं वो लोकसभा में पहले भी प्रस्तावित किए गए और लोकसभा ने उन पर बड़ा उपयोगी कार्य किया। हाउस ऑफ कॉमन में पारित होने के बाद भेजे जाने वाले विधेयकों पर भी लोकसभा पूरी तरह से विचार करती है और इसमें वह अनेक ऐसे संशोधन भी कर सकती है जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन औचित्य के कारण क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। लेकिन विधेयकों के संबंध में अगर अंतिम निर्णय की बात करें तो अंतिम निर्णय की शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 1911 और 1949 के अधिनियम के द्वारा अब लोकसभा की शक्ति को कम कर दिया गया है और अब स्थिति यह है कि लोकसभा साधारण विधेयकों को एक बार अस्वीकार करके उसे एक वर्ष के लिए कानून बनाने से रोक सकती है, यानी साधारण जो कानून है उनको लोकसभा एक बार पुनर्विचार के लिए भेज करके एक वर्ष के लिए कानून बनने से रोक सकती है। लेकिन यदि लोकसभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा दोबारा पारित कर दिया जाए और इस बीच एक वर्ष का समय भी पूरा हो गया हो तो वह विधेयक सम्राट की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाता है, चाहे लोकसभा उसे स्वीकार करे या न करे। इस प्रकार हम देखें तो लोकसभा विधेयकों को प्रस्तावित करने और एक वर्ष की अवधि के लिए उन्हें रोके रखने तथा अपने विचारों के आधार पर सरकार तथा जनता को प्रभावित करने का कार्य करती है, यानी लोकसभा विधेयकों को एक वर्ष तक रोक सकती है अधिकतम साधारण विधेयकों। दूसरी लोकसभा की हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा की स्थिति लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन की तुलना में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वित्तीय जो विधेयक होते हैं वो न तो पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और न ही लोकसभा विचार करने की प्रक्रिया में उन्हें अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। यानी जिस प्रकार से लोकसभा साधारण विधेयकों को एक साल के लिए रोक रही थी वैसा वित्तीय विधेयकों में नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा वित्त विधेयक को केवल एक माह तक रोक सकती है, एक माह से ज़्यादा तक नहीं रोक सकती। वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा सुझाव अब से दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को मानना या न मानना लोक सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन के विवेक पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं लोकसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियों की हम बात करें लोकसभा की तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लगभग जो चार सदस्य हैं वो लोकसभा में से ही लिए जाते हैं। इसी के साथ लोकसभा का जो अध्यक्ष है जिसे कि हम लॉर्ड चांसलर कहते हैं वो अनिवार्य रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का क्या होता है, सदस्य होता है, यानी उसको अनिवार्य रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार लोक सदन की तरह ही लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको यह अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों से वो पर्सन पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में उनसे क्या करें, सूचनाएं प्राप्त करें। इसी के साथ लोकसभा के सदस्य शासन की नीतियों और कार्यों पर खुला वाद विवाद तथा आलोचना भी कर सकते हैं। इसी के साथ लोकसभा विभिन्न जो प्रशासनिक विभागों हैं, लोकसभा जो विभिन्न प्रशासनिक विभाग हैं उनके द्वारा किए गए
प्रदत्त व्यवस्थापन यानी डेलीगेट लेजिस्लेशन की वो क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार लोकसभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की एक तरह से क्या की गई हैं, शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार लोकसभा को नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास में है, लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के पास में ही है। अब हम देखते हैं लोकसभा की न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियों की बात करें तो लोकसभा को न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, और न्याय के क्षेत्र में लोकसभा को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि लोकसभा के द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। और जब लोकसभा अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय उसके सभी सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं लेते, बल्कि उस समय नौ जो कानूनी लॉर्ड होते हैं तथा अन्य जो न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञ लॉर्ड होते हैं वो लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें विद्यार्थियों, तो इससे स्पष्ट है कि वर्तमान समय में लोकसभा वहाँ पर द्वितीय सदन है और द्वितीय महत्व का सदन है। यद्यपि एक समय ऐसा था जब लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन समय के साथ में इन शक्तियों में कमी होती गई और अंत में 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लोकसभा की शक्तियों को काफ़ी कम कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हमने लोकसभा की संरचना और लोकसभा की शक्तियों को देखा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।